नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। इस पर्सनल फाइनेंस शो में हम हर एक बारीकी को समझते हैं और आज चर्चा लोन्स पर होगी, जो कि एक अहम हिस्सा है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट है बलवंत जैन, अपनापैसा.com के CFO। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए नजर डालते हैं आज शो में क्या खास रहेगा। आज कुछ सवालों को अपने शामिल किया है जो लोन से जुड़े हैं, तो एजुकेशन लोन की भी बात होगी, साथ ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या उसकी बारीकियां हैं और एलिजिबिलिटी क्या है किसी भी होम लोन को अगर आप लेने जा रहे हैं, किस तरह से बैंक योग्यता डिसाइड करता है और एलिजिबिलिटी बढ़ाने का क्या तरीका है, वो भी बलवंत जैन से हम जानेंगे। साथ ही लोन ट्रांसफर एक सवाल आया है, उसे भी हम शामिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जो ईमेल के जरिए आए हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो एजुकेशन लोन से जुड़ा हुआ है। सवाल अशोक मेहता जी का है, भोपाल से इन्होंने भेजा है। सवाल इनका यह है कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक एजुकेशन लोन लिया था 2008 में, जैसा कि इन्होंने बताया है बीटेक कोर्स के लिए लिया था और 2012 में कोर्स कंप्लीट हुआ, यानी कि 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। ये बता रहे हैं कि एनपीए हो चुका है इनका अकाउंट, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये बैंक के लिए, और अब इन्होंने शायद सुना इंटरिम बजट में कुछ ब्याज में जो रियायत दी जाती है उसके बारे में, क्या ये एलिजिबल है नहीं, इस पर जानना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ज्यादा डिटेल्स क्योंकि लिखी नहीं है, इसलिए बहुत ब्रीफली बलवंत जी आपसे चाहेंगे कि आप हमें कंडीशंस बताएं कि किन कंडीशंस में ये सब्सिडी दी जाती है। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अभी जो ये बजट में जो प्रपोजल आया था इंटरिम बजट में, कि जो पहले जो लोन डिसबर्स कर दिए गए थे उस पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी का प्रोविजन था, तो जो लोन मार्च 2009 के पहले डिसबर्स हो गए हैं और अगर 31 दिसंबर 2013 तक अगर आउटस्टैंडिंग थे तो उनको भी इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल कर दिया था। जहां तक एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात है, तो जो अगर फैमिली इनकम आपकी 4.5 लाख रुपए सालाना से कम है तो आप एलिजिबल है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है। और हर एक स्टेट के लिए ये जो आपकी इनकम का जो सर्टिफिकेशन है वो अलग अलग अथॉरिटी है, कहीं तहसीलदार है, कहीं कलेक्टर वगैरह है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नोडल एजेंसी है वो कैनरा बैंक है, परंतु आपको जो एप्लीकेशन है सब्सिडी की वो आपके बैंक के थ्रू ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा बाकी व्यूअर्स के फायदे के लिए भी, जैसे पल्लवी आपने बताया कि इनका जो एजुकेशन लोन है वो एनपीए हो गया है, एनपीए होने के आपके बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, और चूंकि ये तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अभी शुरू कर रहे हैं अपनी जिंदगी, नए कमाने वाले की जिंदगी, और बिना आपकी बैंकिंग फैसिलिटी के आप घर नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इनका जो एनपीए हो गया है इसको तुरंत से तुरंत पेमेंट कर देना चाहिए, और मेरा सुझाव रहेगा कि पूरा का पूरा पेमेंट कर दें। अगर ये सेटलमेंट वगैरह करेंगे तो भी ये उनका जो सेटलमेंट किया है वो जो इनकी सिबिल की हिस्ट्री है उसमें दिखेगा। तो आपको जो भी लोन या जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंकिंग फैसिलिटी से आप अवेल करते हैं आपको टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना चाहिए। कभी कभार डिले या डिफॉल्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अगर कंसिस्टेंट डिफॉल्ट होगा तो आपका जो सिबिल का जो स्कोर है वो कम हो जाएगा और आपकी जो एलिजिबिलिटी है या एबिलिटी है बैंकिंग सिस्टम से बोरो करने की वो कम हो जाएगी। जी, यानी इम्प्लीकेशंस जानना भी बहुत जरूरी है। कोई भी लोन में अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, आगे चलकर दूसरा कोई लोन लेने जाएंगे वहां पर जरूर दिक्कतें हो जाएंगी। कंडीशंस आपको बता दी हैं एक्सपर्ट ने कि किन लोगों को ये सब्सिडी मिलती है। अब रुक करेंगे के सुब्रमण्यम जी का, जो इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर सुब्रमण्यम, अपना सवाल पूछें। सर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैदराबाद जी, when I approached him for 27 lakhs loan, they have sanctioned 27 lakhs loan. Okay. And for taking installment from me, they take advance 6. Okay. And in while dispersing the money, they don't hand over the check. It was paid in 3 installments. And they don't release the check directly to the borrower. And they give it only through the agent. Okay. And agent delivers it after 3 or 4 days. For instance, I have taken 27 lakhs loan, out of which 13.5 lakh was released on 28th September 2013. Okay. And 6.75 lakhs was released, check dated 30-11-15 was delivered on 3-12 2013, cleared on 7-12-2013. Okay. But they have charged interest for the whole month. Okay.
And again, third installment of 6.75 lakhs dated 14-3 was cleared on 18-3. Here again, the interest was charged for the whole month. Okay, is that the only issue that you are concerned? Or are there other issues? No, it is not only that. Okay. Sir, legal opinion, they take them 5,618 as legal opinion. Mm-hmm. They deny me the copy of the legal opinion, okay, saying that it is confidential. All right, theek hai. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यू स्टे ऑन द लाइन एंड आर एक्सपर्ट बलवन जैन इज विद अस आपके सवाल का जवाब देने के। बलवन जैन जी, इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया, इनफैक्ट मेल में भी इन्होंने सारी डिटेल्स लिखी थी। ये लीगल ओपिनियन की कॉपीज की बात कर रहे हैं और प्लस इनका इशू ये भी है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस। एजेंट इन्वॉल्व था इस पूरी डील में, ये इनको शुरुआत में नहीं बताया गया और चेक्स भी जो ये दे रहे हैं एजेंट के थ्रू ही, जैसा इन्होंने अभी बताया है फोन पर। किस तरह से आप इनको समझाएंगे? इनकी मेल में ये भी मेंशन है कि ऑलरेडी ये कई सारी मेल्स एलआईसी हाउसिंग को कर चुके हैं लेकिन कोई इनको रिजल्ट वहां से नहीं मिला है। फिलहाल क्या एक्शन ये ले सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो सुब्रमण्यम जी की कंप्लेन है वो जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है वो एनएचबी से के अंडर में है, तो आपको जो अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह तो एनएचबी को ही करनी पड़ेगी। पर एनएचबी जैसे पॉलिसी मैटर्स वगैरह में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे एजेंट रखना है तो वो ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की पॉलिसी हो सकती है। परंतु अगर आपको जैसे चेक हैंडओवर बाद में हुआ, चेक डेटेड पहले था, तो वो आपकी जेन्युइन ग्रीवेंस है। तो आप पहले भले आपने पहले ईमेल वगैरह डाल दिए, अभी मेरा सुझाव है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एड्रेस पे पूरी डिटेल वगैरह डाल के कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। वेट फॉर 30 डेज टू रेस्पॉन्ड देम। अगर 30 दिन में अगर वो रेस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं और उनके रेस्पॉन्स से आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो आप यू कैन कंप्लेन टू एनएचबी फर्स्ट। दे हैव एलाबोरेट सिस्टम ऑफ एंश्योरिंग दैट द ग्रेवेंस इज सॉर्टेड आउट। तो फर्स्ट यू शुड कंप्लेन टू ग्रेवेंस ऑफिसर। अगर ग्रेवेंस ऑफिसर जवाब देते हैं उससे आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो आप चिप ग्रेवेंस ऑफिसर है उनको कंप्लेन करिए। उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते, यू कैन अपील टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। और इसके बाद भी अगर आपका अगर रेजोल्यूशन नहीं होता है तो फिर आपके पास जो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह है, लीगल प्रोसीडिंग्स है, वही ऑप्शन बचता है। जी, यानी कि चार स्टेप्स हैं आपको ध्यान रखना होगा। पहला स्टेप तो यही है जो आपने सवाल उनको ईमेल लिखी है, बट जैसा एक्सपर्ट ने बताया कि रेदर आप उनको ईमेल के जगह रजिस्टर्ड पोस्ट से आप लेटर भेजें और लेटर के 30 दिन के अंदर अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला, रिस्पांस मिला और ठीक नहीं मिला, तो आप ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करें एनएचपी के। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर से भी कोई हल नहीं निकल रहा है, उनसे जो सीनियर है चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर, वहां पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं तो आप एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचपी के हैं उनको आप अप्रोच करें। अगर वहां से भी कोई किसी तरह का आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, देन आप कंज्यूमर कोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे लीगल प्रोसेस होगा, थोड़ा लंबा इसमें समय लग सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश जरूर करें और अदरवाइज आप एक्सपर्ट से जरूर, आप लीगल एक्सपर्ट से राय जरूर ले सकते हैं इस मामले में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं किस तरह सवाल या सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। moneyguru@zmedia.sl group.com हमारा पता है। आप हमें SMS करें कर्ज लिखकर स्पेस देकर अपना नाम अपने सवाल के साथ 57575 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, आपका अपना पर्सनल फाइनेंशियल। चर्चा आज लोन्स पर हो रही है। बलवन जैन अपना पैसा.com से हमारे साथ जुड़े हैं आपके लोन से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल एक ईमेल के जरिए लेंगे। हेमंत पवार जी ने सवाल भेजा है, ये बता रहे हैं कि इनका ऑलरेडी एक लोन है INGVSIA बैंक से चल रहा है और अब ये उसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 80% प्रॉपर्टी का लोन लिया था और साथ ही 2013 मार्च की बात कर रहे हैं, इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। ज्यादा डिटेल्स नहीं है लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ बलवंत जी आपको सलाह क्या देंगे INGVSIA बैंक के ऊपर? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि अभी RBI ने और NHB ने जो फ्लोटिंग रेट के जो लोन है उस पे जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो निकाल दी है। तो इनको जैसे ये ट्रांसफर करना है तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जहां तक एग्जिस्टिंग लेंडर है, बैंक है, उनको प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। परंतु जहाँ नए बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर बैंक प्रोसेसिंग फी चार्ज कर सकती है, परंतु नॉर्मली बैंक आपको ट्रांसफर करने के एवज में आपकी जो प्रोसेसिंग फी है वो वेव कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप 10.15 या 10.25% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सब व्यूअर को अप्लाई होता है, तो आपको निस्संदेह अपना जो लोन है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी नवंबर में ये
जो प्रिवेलिंग रेट है वो 10.15 10.25 के आसपास है, और नॉर्मली वेव जो आपकी ये जो प्रोसेसिंग फी है वो भी वेव हो जाती है। तो अगर आपका फ्लोटिंग में है तो आपको न तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट पेनल्टी देना है और न प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो आपको तो दोनों हाथ में ही चांदी ही चांदी है, तो आपको जो लोन है वो ट्रांसफर कर देना चाहिए जी। लेकिन आप कॉस्ट जरूर यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, यानी कि आप ट्रांसफर करके, क्योंकि खैर ज्यादा समय नहीं हुआ है, मार्च 2013 की आपने बात की है, लेकिन आपको कितना इंटरेस्ट रेट दूसरे कंपनी में मिलेगा, दूसरे बैंक में, और इनफैक्ट ये भी आप तुलना करें कि आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कितनी रहेगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सवाल MB सिंह का लेंगे, शाहजहांपुर से इन्होंने सवाल भेजा है ईमेल के जरिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके मेल में फिर भी दी हुई है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, 4 BHK फ्लैट दिल्ली में इनके पास है, उसकी रजिस्टर्ड कॉस्ट अराउंड 90 लाख, और इन्होंने पूछा ये है कि इनके जो इनको एक और प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर ये लोन लेते हैं तो कैसा रहेगा, यानी कि चॉइस कैसे करें, दूसरे प्रॉपर्टी को लेने के लिए एक लोन ले या फिर अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेकर ये रकम इकट्ठा करें। जो इनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज 70-80 लाख, और जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यू 90 लाख, तो क्या करना चाहिए इनको और कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव इनके लिए पड़ेगा। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि सिंह साहब के पास में प्रॉपर्टी है और उनको नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, और मेरे पास में जो डिटेल है वो उनकी 51 साल की उम्र है। तो लेंडर जो है वो दो चीज़ें देखता है, एक तो जो जिस असेट पे लैंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो आपकी जैसे नॉर्मली लेंडर देखते हैं कि जो जब रिटायर हो जाए तब आपका जो लोन है वो पूरा रीपेमेंट हो जाना चाहिए। तो आपकी 51 साल, सिंह साहब की 51 साल की उम्र है, तो उनको जो इनकम है उसके हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 33 लाख तक का होम लोन मिल सकता है। जहां तक प्रश्न है कि होम लोन लेना चाहिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी वाइज आपको जो होम लोन है उसमें एलिजिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस पर 80% के आसपास का लोन मिल जाएगा और आपका जो मार्जिन है वो 20% के आसपास होगा। टेन्योर जो है वो भी 20 साल तक का मिलेगा, सिंह साहब को नहीं मिलेगा पर जनरल व्यूअर्स के लिए जो टेन्योर है वो लंबा मिल जाता है। आपका जो मार्जिन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में है 40-50% के आसपास आपको अपना मार्जिन देना पड़ता है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका 50% के आसपास ही आपको लोन मिलेगा, और जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रिलेटिवली हायर रहती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू आपका जो होम लोन है उसमें। तो अगर व्यूअर को घर खरीदने के लिए लोन लेना है तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए और होम लोन ही लेना चाहिए, और जो आपकी एलिजिबिलिटी है इनकम बेस्ड होगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। तो 33 लाख का लोन आपको आपकी करंट प्रोफाइल को देखते हुए मिल सकता है, 10.15 से 10.25% एनुअल इंटरेस्ट पर आपको ये लोन मिलेगा। और जैसा कि आप जानना चाह रहे थे कि सेकेंड ऑप्शन बेटर है या नहीं, तो आप होम लोन लें, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप लेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी कम आपको मिलेगा और मार्जिन मनी भी उसमें ज्यादा है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, दर्शकों एक बार याद दिलाएं कि किस तरह सवाल भेजने हैं आपको, आप हमें ईमेल या SMS करें, कर्ज लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर, या फिर ईमेल करें moneyguru@zmedia.com पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, आखिरी सेगमेंट है इसलिए एक सवाल हम शामिल कर रहे हैं अमन गुप्ता जी का, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार अमन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम जी, अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। जी मैम, माय मंथली इनकम इज 30,500, इट इज माय नेट पे, एंड एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू बाय अ 2 BHK फ्लैट वर्थ कॉस्ट अराउंड 45 लाख। सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच ठीक है अमन, ये बताएंगे कि ये आपका पहला लोन होगा? Yeah, this is my first loan. यानी कि कोई पर्सनल लोन या किसी और तरह का एजुकेशन लोन या कोई भी लोन आपका फिलहाल नहीं रनिंग है? ठीक है, यानी कि हिस्ट्री आपकी क्लीन है। एक्सपर्ट से जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या कहती है आपकी, आपकी प्रोफाइल एक बार हम शेयर करने सबके साथ। एज इनकी 24 इयर्स बताई है बलवंत जी इन्होंने, और साथ ही CTC 4.6 है, लेकिन जो इनकी नेट इनकम है दैट इज दी टेक होम सैलरी दैट इज 30,500 पर मंथ। यही आपसे जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम होम लोन इनको कितना मिल सकता है। जैसा कि इन्होंने अपने सवाल में मेल पे भी लिखा था, लगभग 20 साल के लिए लोन लेंगे और प्रॉपर्टी की कॉस्ट इन्होंने अभी बताई है 40-45 लाख की प्रॉपर्टी ये देख रहे हैं। इनकी प्रोफाइल के हिसाब से और इनकी एज क्योंकि काफी कम है, कितना इनको लोन मिलेगा और क्या उसकी ब्याज दर रहेगी?
देखिए अमन जी, ऐसा है कि जो होम लोन के लिए जो लेंडर है वो दो चीज़ें कंसीडर करता है। एक तो जो आप प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू, तो उस पर नॉर्मली 80% तक का लोन मिल जाता है, और दूसरा है वो आपकी जो इनकम है, जो आपकी जो एनुअल इनकम है, जो नेट टेकोम है, उसका 4-4.5 गुना मिलता है। तो दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी बहुत महंगी आपने खरीद ली, पर अगर आपकी सर्विसिंग की एबिलिटी नहीं है तो आपको लोन उतना नहीं मिलेगा। तो जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको 14 लाख के आसपास लोन मिल जाएगा। और जो जो 30 साल का, क्योंकि चूंकि आपकी एज 24 ईयर्स है, तो आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स के टेन्योर का लोन मिल जाएगा। और जो एप्लीकेबल रेट है वो 10.15-10.25 के आसपास है, वही जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है होम लोन पे। चलिए, तो यानी कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से 13.75 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट आप जरूर चेक करें, 10.15 से 10.25% पे आपको एनुअल बेसिस पे आपको होम लोन मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। आप सोच रहे हैं आप फ्लैट खरीदने की, और उम्मीद है कि आपकी कुछ सोल्यूशन यहाँ पर जरूर मिला होगा आज की इस चर्चा से। बलवंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आप किस तरह सवाल भेज सकते हैं शो में। आप हमें ईमेल करें या एसएमएस कर्ज लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर, या फिर ईमेल करें moneyguru@gmail.com पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।